हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। टेलीग्राम के फाउंडर का आपने अरेस्ट देखा और अब आप सोच रहे होंगे कि यार टेलीग्राम के फाउंडर का तो अरेस्ट हो गया, ठीक है, मार्क जकरबर्ग का अरेस्ट क्यों नहीं होता, ठीक है, गूगल के फाउंडर्स का अरेस्ट क्यों नहीं होता, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का अरेस्ट क्यों नहीं होता। देखिए सिंपल सी बात है कि टेलीग्राम का जो फाउंडर है उसकी एक बिलीफ था, उसका ये बिलीफ था कि प्राइवेसी और सीक्रेसी में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। उसने टेलीग्राम को जिस तरीके से बनाया, जिस ईथोस के साथ उसने बनाया, उसने बनाया कि भाई जो लोगों के बीच की जो आपस की बातचीत है और वो बहुत पर्सनल होती है, और जब उनका इंटेंट कोई गलत नहीं है, कोई गलत काम करने का नहीं है, उनका इंटेंट कुछ गलत करने का नहीं है, तो उनका ये राइट है कि वो आपस में प्राइवेट तरीके से एक दूसरे से बात कर सके। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं कि प्राइवेसी और सीक्रेसी में डिफरेंस क्या होता है। प्राइवेसी आप उसी तरीके से समझिए कि जिस तरीके से आपको एक एनालॉजीज के थ्रू समझाना चाहता हूं कि जो टेलीग्राम के जो फाउंडर जैसे जो लोग होते हैं, चाहे टेलीग्राम का फाउंडर था या सतोशी नाकामोतो था या विटालिक है या और भी लोग जो डिसेंट्रलाइजेशन या क्रिप्टो में बिलीव करते हैं, उनका सिर्फ यही टेक है कि जो प्राइवेसी में और जो सीक्रेसी में फर्क होता है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि अगर बेडरूम के अंदर हस्बैंड वाइफ अगर बात कर रहे हैं या ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं और उनके घर में अगर कर्टेंस हैं तो वो कर्टेंस को विंडो के ऊपर डाल देते हैं ताकि जो बाहर का व्यक्ति है वो अंदर ना झांक सके। ये उनका राइट है, राइट। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि नहीं 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 कर्टेंस जो है उससे हमें दिखता नहीं है, कर्टेंस हटा दो, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी बातचीत है, जो आप आपका रिलेशनशिप है वो हमें देखना है, राइट। ये सीक्रेसी नहीं है। सीक्रेसी है कि आप कर्टेंस डाल के आप किसी को आपने किडनैप करके रखा हुआ या किसी का मर्डर कर रहे हो या कोई गलत काम कर रहे हो और आपने कर्टेंस डाले हुए, राइट, और आप दुनिया से कुछ गलत काम को छुपा रहे हो, वो सीक्रेसी है। प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। प्राइवेसी इज लाइक कि आपके ड्राइंग रूम में एक माइक्रोफोन लगा दिया जाए और उस माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली एक सर्वर पे रिकॉर्ड हो रही है कि आपके घर में जो आपके बीच में आपके आपके बच्चों के बीच में जो बातें हो रही हैं वो जी एक सर्वर पे रिकॉर्ड होगी, जब होगा हम सुनना चाहेंगे। क्या आप चाहोगे कि आपकी जो प्राइवेट बातें हैं, आपकी जिंदगी की जो प्राइवेट बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, ये कहीं रिकॉर्ड हो जाए? नहीं। सो बेसिकली प्राइवेसी और सीक्रेसी में डिफरेंस है, और इसी इंटेंट से टेलीग्राम हो गया या सतोशी नाकामोतो हो गया या विटालिक हो गया जो इथेरियम के फाउंडर है, इन लोगों का ये बिलीफ रहता है कि हम कोई चीज जब डेवलप करें तो उसमें हम प्राइवेसी इंश्योर करें, बिकॉज प्राइवेसी इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, राइट। दो लोगों के बीच में एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट हो सकती है, सीक्रेट हो रही है विदाउट विद अ रॉन्ग इंटेंशन, यस देन दैट इज रॉन्ग, ठीक है। बट क्योंकि हर बंदा सीक्रेसी नहीं रखता है, बट हर बंदा प्राइवेसी चाहता है, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। और जो टेलीग्राम का फाउंडर है ऑब्वियसली इसने मना किया, जब इसको बैक स्टेज से या बैक डोर से एंट्री लेनी चाहिए यूरोप ने या और देशों ने, जब वो कंसिस्टेंटली मना करता रहा कि नहीं मैं बैक डोर से एंट्री नहीं दूंगा, लेकिन जो मार्क जकरबर्ग जैसे लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो कंफर्टेबली वो कहते हैं कि ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट टेलीग्राम जैसे लोग हैं जब वो रेजिस्टेंस शो करते हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर गाज गिरती है, और ये बहुत बड़ी गाज है क्योंकि फ्रांस के अंदर उसको अरेस्ट का मतलब है कि पूरी दुनिया से रिटेलिएशन हो रहा है, पूरी दुनिया से लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है, और उसको जिन धाराओं के अंदर जो अरेस्ट किया गया है, जो जो बातें की गई हैं, वो पहले से ही वो बोलते आ रहे हैं कि भाई टेलीग्राम का जो है वो मिसयूज हो रहा है, टेलीग्राम का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज तो हर टेक्नोलॉजी का होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू दो किडनैपर बात करते हैं, मोबाइल फोन का मिसयूज नहीं होता क्या? क्या मोबाइल फोन को दो टेररिस्ट आपस में बात करने के लिए यूज नहीं करते हैं? क्या दो किडनैपर फोन पे बात नहीं करते हैं? छुरी है तो आपकी जो नाइफ है, जब नाइफ को किसी ने फर्स्ट टाइम जब इन्वेंट किया होगा तो नाइफ से लोगों ने ये नहीं बोला होगा कि नाइफ से मर्डर होंगे, तो नाइफ तो मर्डर भी करती हो, नाइफ से बहुत सारी उसकी यूटिलिटी भी है, नाइफ की वजह से रेवोल्यूशन आया, आप खाने को छोटे छोटे पीसेस में काट सके,
तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप चाहे वो, यही अगर आप बिटकॉइन की तरफ भी देखो तो बिटकॉइन को भी इसी क्रिटिसिज्म से गुजरना होता है, क्रिप्टो को भी इसी क्रिटिसिज्म से गुजरना होता है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन का यूज भी गलत कामों के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन, सबके लिए भी होता है। लेकिन जो उसके फायदे हैं वो भी हमने देखा कि $1 बिलियन बचते हैं जब रेमिटेंसेज में, आप जो वीजा और मास्टर कार्ड, अगर हम इंडिया की बात करें स्पेशली, जैसे एक 120 बिलियन US डॉलर जब इंडिया में आता है तो 6% वीजा और मास्टर कार्ड ले जाते हैं और वेस्टर्न यूनियन ले जाता है, वही पैसा जो हमारे देश में आ सकता है एक्स्ट्रा। सो हर टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट भी होते हैं और उसके लार्जर फायदे भी होते हैं। अब टेलीग्राम जो है वो एक तरीके का P2P मैसेंजर है। P2P मैसेंजर का मतलब ये कि दो लोग आपस में नॉर्मली टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सर्वर है, जो आपका डेटा जो स्टोर हो रहा है, उसका जो बैकडोर से किसी थर्ड पार्टी का एक्सेस नहीं है, जो ऑब्वियसली टेलीग्राम के लिए भारी पड़े। सो ये जो टेलीग्राम की जो एपिसोड हुआ है, बेसिकली ये आपको एक इम्पोर्टेंस भी रियलाइज करा रहा है, ये एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट भी है बिटकॉइन का, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में कोई भी, जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल एरा की बात करते हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नेटवर्क जो है वो सेंसरशिप रेजिस्टेंट नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप है, डिजिटल नेटवर्क है, मैसेंजर है, लेकिन क्या वो सेंसरशिप रेजिस्टेंट है? नहीं। टेलीग्राम बंद किया जा सकता है, फेसबुक बंद किया जा सकता है, इंस्टाग्राम बंद किया जा सकता है, सेंसरशिप सेंसर किया जा सकता है, टिकटॉक को हमने देखा सेंसर होते हुए। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नेटवर्क हो वो सेंसर किया जा सकता है। आज अगर टेलीग्राम की भी अगर बैकडोर से एंट्री हो जाए और वो सरेंडर कर दे और वो बोल दे कि ठीक है सर मेरे को छोड़ दो और मैं आपको सारी बैकडोर से एंट्री देता हूँ, आपको जो करना है करो, आपको जो सर्वर देखना है, हमारा सिस्टम देखना है, आपको जो मैसेजिंग देखनी है, जो चैट देखनी है, आप देखो, तो कैसे, तो जब बैकडोर से एंट्री हो गई तो क्या सेंसर से, तो क्या टेलीग्राम बंद किया जा सकता है? बिल्कुल बंद किया जा सकता है। लेकिन एक नेटवर्क है जो सेंसरशिप रेजिस्टेंट, और वही उसकी जो आप इंट्रिंसिक वैल्यू की जब बात करते हो कि बिटकॉइन के नेटवर्क की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, यही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कि उसके अंदर जो सेंसरशिप रेजिस्टेंस है कि उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसको लोग मिलकर चलाते हैं, उसकी लाखों में की तादाद में जो नोड्स है, अगर आज बिटकॉइन के नेटवर्क को बंद करना है तो आपको सारी नोड्स को जो है, जो सारे दुनिया में जो नोड्स, जो जहां पे लेजर की कॉपी पड़ी है, उस सबको डिलीट करना है, उड़ाना है, खत्म करना है। अगर एक भी बच गई तो बिटकॉइन का नेटवर्क वहां से फिर ग्रो कर जाएगा। तो आपको एक एक नोड को खत्म करना है, एक एक लेजर को खत्म करना है, और ये नोड और लेजर वॉलंटरी लोग अपने आप अपनी सर्विसेज, अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज देते हैं वॉलंटरीली, और पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट है, और बैकडोर से एंट्री नहीं है। और अगर आपको बैकडोर से एंट्री करनी है तो जितना आपका हैश रेट है बिटकॉइन का टोटल, उसका 51% हैश रेट आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा अगर आपको उस नेटवर्क को बंद करना है या उस नेटवर्क के अंदर चेंजेस करने या उस नेटवर्क का अपना वर्जन लेके चलना। ये चीज बिटकॉइन को खास बनाती है, ये जो सेंसरशिप रेजिस्टेंस के बंद नहीं किया जा सकता। मतलब आज अगर टेलीग्राम के फाउंडर ने एक इंटरव्यू के दौरान उसने बोला, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसके दौरान उसने बोला कि उसने उसके पास फ्यू 100 मिलियन जो है वो बिटकॉइन में, और उसके पास काफी सारा बैंक अकाउंट के अंदर भी है। अब जो भी उसके बैंक अकाउंट है वो तो सीज हो जाएंगे, लेकिन जो उसके पास बिटकॉइन और उसकी सेल्फ कस्टडी है में, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो सीज नहीं कोई कर सकता है। हमने ये रशिया के केस में भी देखा, हमने रशिया के केस में क्या देखा कि जो रशिया के जो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट थी उसको सीज कर दिया गया, राइट? तो जो US ट्रेजरीज के अंदर जो उसके पैसे पड़े थे उसको सीज कर दिया गया। लेकिन यहाँ टेलीग्राम के फाउंडर ने ही बोला कि उसके कुछ बैंक अकाउंट में भी है, कुछ बिटकॉइन में भी है, जो बैंक अकाउंट में वो फ्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन जो बिटकॉइन में वो फ्रीज नहीं किए जा सकते, ये सेंसरशिप रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आपका बिटकॉइन किसी एक्सचेंज में पड़ा है, जैसे वजीरेक्स के केस में आपका एक्सचेंज में पड़ा था, फ्रीज हो गया, वो हैक हो गया, और हैक हो गया या फ्रीज हो गया, जिनके हैक नहीं भी हुआ बिटकॉइन, वो फ्रीज है, वो उसको यूज नहीं कर सकते। तो ट्रू सेंस में बिटकॉइन का या कोई भी क्रिप्टो का मतलब यही है कि अगर आपकी वो सेल्फ कस्टडी में हो।
राइट सो आज का ये वीडियो जो था वो टेलीग्राम के लिए था, और मेरा हमेशा ये से मानना है, मैंने इसके बारे में ये बोला है लास्ट में कि पेवेल द्रोज अरेस्ट इज एन एडवर्टीजमेंट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिटकॉइन। डिटेंशन इनकी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मैंने लोगों से पूछा, 1100 लोगों ने वोट किया, जहां पे मैंने पूछा किसको आप ट्रस्ट करते हो ज्यादा, तो ज्यादातर लोग का बोलना है, 70% लोग का बोलना है कि वो टेलीग्राम को ट्रस्ट करते हैं, राइट। और पॉली मार्केट का ये कहना है कि चांसेस नहीं है इनके रिलीज होने के, पावेल द्रोव के 28% चांसेस बता रहे हैं कि ये अगस्त में रिलीज हो पाएगा, राइट। तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टॉन कॉइन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास टॉन कॉइन है, वो इसमें इन्वेस्टेड भी है। तो टॉन कॉइन देखिए, टेलीग्राम का एक आइडिया था, टेलीग्राम ने इसे इनिशिएट किया था, राइट, इनिशिएटिव टेलीग्राम का है, बट अल्टीमेटली ये एक फाउंडेशन है, दी ओपन नेटवर्क। और फाउंडेशन जो का मतलब ये होता है कि एक नॉन प्रॉफिटेबल एक फाउंडेशन है जो कि इकोसिस्टम को ग्रो करना चाहती है। तो आइडिया डेफिनेटली टेलीग्राम का था, लेकिन आज की डेट में जो फाउंडेशन है वो टेलीग्राम से इंडिपेंडेंट है। टेलीग्राम अगर कल को बंद भी हो जाता है तो फाउंडेशन चलती रही, क्योंकि फाउंडेशन इज ड्रिवन बाय पीपल, इट इज मैनेज बाय पीपल। आज द ओपन नेटवर्क के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जो उसके ऊपर एप्स बना रहे हैं, कई एप्स इनकी बड़ी पॉपुलर भी हुई हैं। तो टेलीग्राम के बंद हो जाने से द ओपन नेटवर्क बंद नहीं होगा, बिकॉज द ओपन नेटवर्क इज ओपन फॉर व्हाट्सएप ऑल्सो। कई लोगों को लगता है कि टेलीग्राम का द ओपन नेटवर्क है तो ये व्हाट्सएप के लिए ओपन नहीं है। नहीं, अगर कोई कल को मार्क जकरबर्ग भी टेलीग्राम की द ओपन नेटवर्क पे कोई एप्लीकेशन बनाना चाहता है, ओपन बना सकता है, गूगल भी बना सकता है, माइक्रोसॉफ्ट भी बना सकता है। ओपन नेटवर्क का मतलब यही है। तो एक फाउंडेशन है, जैसे इथेरियम फाउंडेशन है, विटालिक के इस दुनिया में चले जाने से कोई वो बंद नहीं हो जाएगा इथेरियम फाउंडेशन। तो द ओपन नेटवर्क, हाँ उतनी बड़ी फाउंडेशन नहीं है बट ग्रोइंग है, लेकिन ये टेलीग्राम से इंडिपेंडेंट है। बट ऑब्वियसली क्योंकि इनिशिएटिव आइडिया टेलीग्राम की टीम का था, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हम टेलीग्राम के टॉन नेट के जो कॉइन है उसके प्राइस पे भी देख रहे हैं। और ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट रहने वाला है जब तक वो रिलीज नहीं होगा। जैसे रिलीज होने का कुछ खबर आएगी, पॉजिटिव खबर आएगी, तो आप उसके अंदर प्राइस के अंदर वो भी देखोगे। बट ये लोगों को कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वाला पार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग काफी सारे लोग जो है उसकी डैप्स को यूज करते हैं द ओपन नेटवर्क के, तो ओपन नेटवर्क के बारे में लोग सोचना चाह रहे थे, तो उसकी ये कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अगली खबर है वो निश्चल शेट्टी जो वजीर एक्स के हैं, फील ऐसा हो रहा है निश्चल शेट्टी की जो ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि ही इज गोइंग ऑल आउट अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि क्योंकि पूरे कम्युनिटी डे वन से जब से हैक हुआ है तब से काफी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी इन्फ्लुएंसर्स, मैंने तो शायद ही कोई एक इन्फ्लुएंसर देखा हो कि जिसने कोई पॉजिटिव बात करी हो, और पॉजिटिव बात कोई करने लायक है भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कोई पॉजिटिव काम भी नहीं हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चल इज ट्राइंग टू ब्लेम दोज इन्फ्लुएंसर्स के भाई आपकी वजह से ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, और जिसकी वजह से आपका कोई इंटरेस्ट है नहीं, ना आपका वजीर एक्स पे अकाउंट है, तो लेकिन ये जो है मेरे खिलाफ जो है या वजीर एक्स के खिलाफ साजिश हो रही है, कोई सोल्यूशन नहीं है और बिना सोल्यूशन के बस बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाली गई है इन्फ्लुएंसर्स पर। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इन्होंने बैन भी किया है, ब्लॉक किया है, बहुत सारों को कल किया है। आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड साइन, एंड ये निश्चल की जो मेच्योरिटी है उसको ये शोभा नहीं देता, बिकॉज लोग क्वेश्चन तो इस टाइम पे करेंगे, पूछेंगे भी, और 110% लोग ट्रोल भी करेंगे, फायदा भी उठाएंगे सिचुएशन का। और कुछ लोग इस जेन्युइनली आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग आपका फायदा उठाएंगे, कुछ लोग फेक अकाउंट भी होंगे, कुछ जेन्युइन भी होंगे, सब चीजें होनी है। इसके लिए तो आपको रेडी होना ही पड़ेगा। ब्लॉकिंग और रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई री अश्योरेंस अभी तक नहीं हुई है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस टाइम जो डिस्कशन है सिर्फ कम्युनिटी और निश्चल शेट्टी के बीच में, कोई एक थर्ड पार्टी जैसे गवर्नमेंट का जो रोल है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये एक माहौल को एक रीअश्योरेंस देने वाला कोई एक स्टेटमेंट या कोई, क्योंकि निश्चल शेट्टी के रीअश्योरेंस से लोग रीअश्योर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ये स्टेप इन करती है और बोलती है कि नहीं, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व और वी आर ट्राइंग टू गेट अ सोल्यूशन ऑफ दिस, तब जाके लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व,
थोड़ी बहुत रीअश्योरेंस मिल रही है, बट निश्चल शेट्टी की रीअश्योरेंस से रीअश्योरेंस नहीं मिलेगी, ये तो कंफर्म है। तो निश्चल शेट्टी की फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्लियरली विजिबल है, और इस फ्रस्ट्रेशन को ऑब्वियसली लोग जब आप ब्लॉक करोगे तो ये आपकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी और बड़ी होती चली जाएगी, बिकॉज ब्लॉकिंग इज नॉट द सोल्यूशन। लोग सवाल पूछेंगे, लोगों के सवाल पूछने के तरीके अलग होंगे, टोन अलग होगी, बात करने का तरीका अलग होगा, बट यू हैव टू डील विद इट। दिस इज हाउ दिस सिचुएशन, छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, 2000 करोड़ गए, और निश्चल शेट्टी के करीब 1,60,00,000 यूजर थे। अब 1,60,00,000 यूजर में से जो एक सर्वे मैंने करा उसमें करीब 40% लोगों के 1,00,000 रुपए से ऊपर है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने देखी, क्योंकि शायद गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर इसलिए भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि आउट ऑफ 1.6 करोड़ यूजर 10 FIR भी नहीं हुई है, 10 पुलिस कंप्लेंट भी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्या वजह है, क्या रीजन है कि लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि क्रिप्टो का केस करते हुए लोग वैसे ही डरते हैं, कई लोगों को ये लगता है कि शायद ये केस सॉल्व हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कि बट 10 FIR भी नहीं हुई है टोटल। मेरे ख्याल मुझे लगता है शायद 3 या 4 या 5 मैक्सिमम। और कितने यूजर है? 1,60,00,000। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, वरिंग भी है, कंफ्यूजिंग भी है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रीअश्योरेंस है इसीलिए नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब तक ये नहीं पता लगेगा कि कितनी FIRs हुई है, कितने लोग, 4-5, 1,60,00,000 में ऑब्वियसली लो नंबर, राइट? तो ये है। और निश्चल शेट्टी से किसी ने पूछा कि प्रूफ ऑफ रिजर्व रिमेनिंग एसेट्स का, तो इनका ये कहना है कि रिमेनिंग एसेट्स अभी मूव करनी बाकी है, जब वो मूव हो जाएंगी तो प्रूफ ऑफ रिजर्व भी ये रिलीज करेंगे। अभी जो उनको मूव करने के लिए लिमिनल की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि पुराने जो अभी जो मल्टी सिग सिग्नेचर जो जो है अभी वही, उसमें एक लिमिनल भी है और 3 नहीं है, तो अभी जब तक वो मूव नहीं होगा तब तक ही इज नॉट ही सेइंग कि प्रूफ ऑफ रिजर्व, जब नए वॉलेट के अंदर फंड्स मूव कर जाएंगे देन ही विल बी एबल टू प्रोवाइड दैट। प्लस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ये सिंगापुर के अंदर मूव कर गए, जो सिंगापुर की कोर्ट है वहां पे इंसॉल्वेंसी के लिए नहीं या बैंकरप्सी के लिए नहीं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होता है कि कोर्ट अभी कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करेगा सारे क्रेडिटर्स और सारे जो यूजर हैं उनके बीच में कोई एक मिडल पाथ निकालने की कोशिश करेंगे। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, वो अलग चीजें होती हैं। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज बेसिकली दे विल ट्राई टू ब्रिंग इन सम अरेंजमेंट, और ये जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट, तो वहां ये सुप्रीम, वहां क्योंकि ये सिंगापुर की एंटिटी है तो वहां कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे सिंगापुर की जो बैंक है। बिटकॉइन के लिए सितंबर हमेशा ही बुरा महीना रहा है, और ये आप देख सकते हो हमेशा सितंबर में मैक्सिमम टाइम बिटकॉइन डाउन ही रहा है, और अक्टूबर बहुत बुलिश रहा है, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छा क्वार्टर रहता है। तो एक सितंबर बिटकॉइन के लिए कैसा रहेगा, प्रॉब्ली लास्ट टाइम से अगर हम देखें तो जनरली ये बियरिश ही रहता है, बट अक्टूबर इज काइंड ऑफ अ बुलिश, सो लेट्स सी हाउ दिस सितंबर विल टर्न आउट फॉर बिटकॉइन। दो कंपनियों के पास 50% बिटकॉइन का हैश रेट हो चुका है, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि यार ये सेंट्रलाइज हो गया है, बट ये अकेले माइनर नहीं है, इनके अंदर ये पूल्स हैं, तो अगर ये थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो जो पूल के अंदर लोगों ने अपनी रिसोर्सेज इनको दिए हुए वो अपने विड्रॉ करना शुरू कर देंगे अगर ये कुछ गलत करेंगे। बट फिलहाल दोनों पूल के पास 57% हैश रेट है, और हम जानते हैं कि जब किसी के पास हैश रेट इतना ज्यादा हो जाता है तो वो कितना पावरफुल हो जाता है, और लोगों का ही मानना है कि फिर वो चेंजेस भी कर सकता है, 51% अटैक भी हो सकता है। आरएफके जूनियर, जो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर है यूएस के अंदर, जो प्रेसिडेंट के जो के लिए दावेदार थे, उन्होंने बोला है कि वो ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने अपनी प्रेजिडेंसी विड्रॉ कर ली है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 56% है मार्केट में, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू राइज, और ये बुल मार्केट में होता ही है, पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है और फिर उसके बाद बाकी सारे ऑल्ट्स जो है वो मूव करते हैं, बट फिलहाल बिटकॉइन इज ऑन अ मूव। नैसडेक और बिटकॉइन के बीच में जो गैप है वो कम हो रहा है, नैसडेक जो है वो बिटकॉइन को कैचअप कर रहा है। उसके बाद हम देखें तो कैथी वुड जो है उसने ये बोला है कि 1.5 मिलियन US डॉलर का हो सकता है बिटकॉइन बाय 2030। ये इनका सबसे बुलिश सिनेरियो है, एक मिडिल सिनेरियो है 6,82,000, और सबसे बियरिश सिनेरियो है कि बिटकॉइन कुड बी 2,58,000 बाय 2030। M2 मनी सप्लाई बढ़ रही है, 2010 से ये ट्रिपल हो चुकी है, 2010 से मनी सप्लाई हैज ट्रिपल्ड,
2010 2,10,000 बिटकॉइन एक्सचेंजेस से निकल चुके हैं। ये भी अगेन एक बुलिश साइन होता है क्योंकि लोग अपने वॉलेट्स में डाल रहे हैं और वो ट्रेड नहीं करना चाहते, होडलर बढ़ रहे हैं। तो ये है। उसके अलावा बिटकॉइन 20 दिन पहले 49,000 यूएस डॉलर पे था एंड अब 64,900 पे पहुंचा, विच इज लाइक अ 32.33% इंक्रीज। नाइजीरिया के अंदर जो है नाइजीरिया टू लाइसेंस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एक्सचेंजेस एज सून एज दिस मंथ। तो नाइजीरिया पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो के अगेंस्ट था और सडनली अब जो है वो लाइसेंस इशू करने की बात कर रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट क्रिप्टो की और खासकर टेलीग्राम की और जो वजीरेक से रिलेटेड थी। कैसी लगी आपको ये अपडेट्स? थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया बट अपडेट्स कुछ दिनों से आई नहीं थी, कुछ जरूरी थी तो मुझे लगा इस पर आपको थोरो अपडेट्स देनी चाहिए। एंड कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच।